जुमला साबित हुआ मोदी सरकार का दावा, मजदूरों से वसूले जा रहे हैं ट्रेन के टिकट के पैसे। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार, रेलवे मंत्रालय सभी ने दावा किया था कि लॉकडाउन के दौरान जो मजदूर तबका अपने राज्यों में अपने घरों में लौटना चाह रहा है उनसे किसी भी तरह का ट्रेन का किराया वसूला नहीं जाएगा। इन मजदूरों के लिए खास करके स्पेशल श्रमिक ट्रेनें चलाई जा रही है। आज हम आपको बता रहे हैं गुजरात के सूरत शहर से उत्तर प्रदेश के लिए ट्रेन पकड़कर जो मजदूर पहुंचे उनसे 750 से लेकर 1000 रुपए तक वसूले गए। कई मजदूरों ने बताया कि उन्हें बसों में भरकर रेलवे स्टेशन लाया गया और उसके बाद पैसे लेकर के टिकट दिए गए। कईयों ने बताया कि उन्होंने फॉर्म फिलअप करने की जब लाइन लगाई कतार में वो खड़े रहे तो उन्हें कई लोगों ने बताया कि आपके फॉर्म रद्द हो जाएंगे, अगर आपको टिकट लेना है तो आप इतना पैसा दीजिए तो हम आपको टिकट मुहैया कराएंगे। इन मजदूरों के हिसाब से ये बिचौलिए जैसे शख्स थे, दलाल जिन्हें कहा जा सकता है। तो किसी मजदूर से 630 रुपए टिकट के 750 रुपए, 800 रुपए, 1000 रुपए ऐसे वसूले गए। उत्तर प्रदेश के देवरिया स्टेशन पहुंचने के बाद गोरखपुर जाने वाली बसों में बैठे इन मजदूरों ने मीडिया को क्या बताया कि उनसे कितने पैसे वसूले गए, वो वीडियो भी हम आपको बता रहे हैं। बहरहाल कुल मिलाकर के केंद्र सरकार ने कहा था कि मजदूरों को घर लौटने के लिए ये जो स्पेशल श्रमिक ट्रेनें चलाई जा रही है उन्हें उसमें सारी सुविधाएं दी जाएगी। तो पानी के अलावा कईयों को कुछ नहीं मिला, कईयों को खाने अगर कुछ मिला तो प्लेन राइस मिला, ये भी इन मजदूरों ने बताया। दूसरी बात, राज्य सरकार सब्सिडी देगी या फिर इनके ट्रेन टिकटों का जो पैसा है उसका बोझ राज्य सरकार उठाई, मगर ऐसा कहीं भी नहीं हुआ। इन मजदूरों को जब तक पैसे नहीं दिए गए तब तक इन्हें स्टेशन ले जाने वाली बसों में नहीं बैठाया गया, और जब पैसे इन्होंने दे दिए तब इन्हें बसों में बैठाया गया, आधार कार्ड इनके लिए गए और उसके बाद जो है बसों में बैठा करके इन्हें टिकट वहां पर दिए गए। तो कुल मिलाकर के ये एक पता ऐसा चल रहा है कि जुमला सरकार का ये जुमला ही साबित हुआ फिर से मजदूरों की स्पेशल श्रमिक ट्रेनों का बिना किराए उनको अपने घर पहुंचाने का। और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं सरकारी आशीर्वाद से दलालों का ये रैकेट घर लौटते मजदूरों को कैसा निचोड़ रहा है वो भी इस बहाने सामने आ रहा है। टिकट करने का अवसर प्रदान हुआ है, मैं अपने किसी भी पद पे हूँ, मानव सेवा करने के लिए तात्पर्य हूँ, सभी श्रमिक साथियों से अनुरोध है गेट से निकलते हुए 1000 वसूला गया हमसे, 1000 आप लोग दिए, 1000 दिए। गोरखपुर के 1 से 10 नंबर काउंटर पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है, कुछ नहीं मिला, जिन साथियों को गोरखपुर जाना है कोई भी सुविधा नहीं मिली है रास्ते में, 1 से 10 तक जो है बहुत गोरखपुर का काउंटर और 13 से 12 तक संत कबीर नगर, देवरिया 14 नंबर, 15 कुशीनगर, 16 आजमगढ़, शेष जनपद का 17 और 18 नंबर का। साथियों से अनुरोध है, सभी श्रमिक भाइयों से अनुरोध है कि बिना रजिस्ट्रेशन कराए कोई गेट के बाहर नहीं जाएगा, अन्यथा उन्हें गाड़ी में बैठने नहीं देंगे लोग। सभी साथियों से अनुरोध है, मैं पलाटी है सीधा पकड़िए। कितना पैसा लिया गया आपसे? 700 रुपये आप दे कर रहे हैं? 1 से 10 नंबर कोई रास्ते में पानी उनी की सुविधा मिली है? पानी मिला था, सिर्फ पानी। चलिए ठीक है। We'll be right back.